कांग्रेस की गतिविधियों में लगातार हलचल देखी जा रही है और आज उसी हलचल को देखने के लिए सचिन गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और पूरी बात अभी बीच में रोकते हुए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि खानपुर विधानसभा के लंढोरा क्षेत्र में आने वाली 8 तारीख को एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है सद्भावना सम्मेलन। अब जिलाध्यक्ष राजवीर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले बताइए, जैसे आप सबको संबोधित करते हुए बता रहे थे कि शीर्षक रखा है हमने सद्भावना सम्मेलन, क्या इसके पीछे की चीज़ें हैं कि आपको सम्मेलन का जो नाम है वो सद्भावना देना पड़ा? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है शुरू से ही कौमी एकता की रही है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद जो देश के अंदर एक माहौल पैदा किया गया, नई जनरेशन के दिमाग में भरा गया और हिंदू मुस्लिम तमाम धर्मों पर जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, तो देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया और एक असुरक्षा का। कुछ व्यक्ति डरे हुए हैं, सड़क पर जब आप देखो, बाजार में आप देखो, तो व्यक्ति के अंदर एक घबराहट सी है, चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, खुशी महसूस नहीं होती है। तो उसी को जब महसूस किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना फर्ज समझते हुए कि हरिद्वार के अंदर हम लोग भी एक सद्भावना का संदेश देते हुए हम लोगों ने खानपुर विधानसभा के लंढोरा में एक सम्मेलन रखा है, सद्भावना सम्मेलन। और वो केवल खानपुर विधानसभा में नहीं है, हम उसको अन्य जनपद के अन्य विधानसभाओं में उसको लेकर जाएंगे और उसका सभी जगह ले जाकर उसका। अच्छा, राजीव चौधरी जी, आपने कहा कि जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश में आई है, तो मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपने कहा कि बाजार में सड़कों पर आप देखेंगे आदमी डरा हुआ है, अभी हम यहाँ पे सड़कों पर देख रहे हैं, कैसे पहचान पा रही है कांग्रेस के आदमी डरा हुआ है जबकि कहीं से दिख नहीं रहा है? चल के पूछें कि कैसे डरे हुए हैं भाजपा सरकार से। देखिए, ये तो आप भी जानती हैं मैडम, ऐसा नहीं है, और आपका चैनल मैं देखता भी रहता हूँ। आप लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो व्यक्ति का जब इंटरव्यू लेते हैं, यहाँ तो चलो हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति है, किसान है, किसान ये डरा हुआ है कि पता नहीं उसको उसकी फसल का रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यापारी ये डरा हुआ पता नहीं GST तो आ गई है, पता नहीं कहीं दूसरा टैक्स और सर पे तो नहीं आ जाएगा, कोई इंस्पेक्टर टाइप जैसे एक इंस्पेक्टर राज नर्वस। कांग्रेस पहचान पाई है कि आम आदमी भी डरा हुआ है? हाँ, कांग्रेस पहचान रही है उस चीज़ को, कांग्रेस को पता है और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं उस डर के खिलाफ, और जल्दी ही ये डर लोगों के दिल से निकल जाएगा और जिस दिन ये डर निकल जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी और RSS आपको इस देश में दिखाई नहीं देगी। RSS से क्या शिकायत है? आपने कहा कि अराजकता का माहौल पैदा किया हुआ है, जैसे आपकी गतिविधियां लगातार देखने को मिले, तो आप कौन सा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे राहुल गांधी की आपने यात्रा बताई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा 2024? बिल्कुल निश्चित रूप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो आशंकित था कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा निकलेगी तो पता नहीं यहाँ हमारी यात्रा का कहीं फ्लॉप ना हो जाए, लेकिन जब हमने आपके जैसे चैनलों के माध्यम से देखा, टीवी में देखा और पोर्टलों पर देखा, तो जो भीड़ का हजूम देखा, तो मुझे उम्मीद, हमारे अंदर भी एक हौसला और उम्मीद पैदा हुई है कि हो सकता है कि हम जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके हम पब्लिक को अपनी तरफ लाने में, आकर्षित करने में अपनी तरफ, कांग्रेस की तरफ कामयाब होंगे। किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा 2024 में? निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो 10 साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल इस आर्थिक संकट को, आर्थिक कष्ट को झेलते हुए इससे दूरी दिलाने के लिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा, ये सिर्फ भारत को जोड़ने की यात्रा है। जिस दिन भारत जुड़ जाएगा, राजनीति कांग्रेस की अपने आप ठीक हो जाएगी, वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, वो तो एक सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं, एक देश की आर्थिक स्थिति को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की यात्रा का फायदा तो होता ही। अटल अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी राम मंदिर के नाम पर और उनकी वो सरकार में आ गए थे, तो ऐसे ही जब राहुल जी लेके निकले हैं यात्रा, तो उसका जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में हमें बिल्कुल लाभ मिलेगा उसका। आज तक जितनी यात्राएं निकली हैं सब यात्राओं का रिजल्ट अच्छा आया है, उस पार्टी को फायदा हुआ है। सचिन गुप्ता जी मुझे बीच में रोक रहे थे, तो जरा बताइए, जैसे मैंने कहा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं, PC में आपने भी कहा था, तो अभी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मेरे से सवाल शायद राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर कर रही हैं। फिलहाल बात वहीं से शुरू कर, इससे शुरुआत कर रही हैं। राहुल गांधी जी एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चले हैं। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो राहुल गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, कई बार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी उनका नाम कई बार आ चुका है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा अस्तित्व हो, इतना बड़ा ओहरा हो, और वो एक ऐसी यात्रा लेकर चल रहा है जिसमें भारत को जोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद उसकी पार्टी को या उसे राजनीतिक लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाभ पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा छिपा ही हुआ है।
देखिए राजनीतिक मुद्दा छुपा हुआ कोई नहीं है, लेकिन राजनीतिक सफर के अंदर उनको इसका फायदा होगा ही होगा। अगर एक बिजनेसमैन आज एक दुकान खोल के बैठेगा तो वो अपना उसका बिजनेस में फायदा तो होगा ही होगा, उसके नाम का भी फायदा होगा। राहुल गांधी का नाम आते ही कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, तो कैसे लोग राहुल गांधी से जुड़ने के बाद कांग्रेस को दरकिनार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए सचिन गुप्ता जी, बात ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहली बात आती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि भारत के लोगों में प्यार जगाना है, भारत के लोगों में एकता जगानी। एक तरफ ये मुद्दा आ चुका था जब अभी हम पिछली पीसी में सेंटर पॉइंट में मिले थे, सेंटर में मिले थे, तो तब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता विधायक भी उसमें मौजूद थे, मैं नाम नहीं लूंगी, सब ने कहा था कि भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए यात्रा है। अब धीरे धीरे जैसे ही 2024 जो है वो पास आने वाला है, उसके बाद फिर से राजनीतिक जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। देखिए 2024 का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने ही होने हैं, वो ना तो आप डाल सकते ना मैं डाल सकता। 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसमें जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चेहरा जो है राहुल गांधी जी का रहेगा ही रहेगा। जब राहुल गांधी जी का चेहरा रहेगा, जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो लोग कैसे दरकिनार करके कांग्रेस से राहुल गांधी जी को अलग, कांग्रेस दरकिनार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कांग्रेस का साथ देंगे लोग। और जो जिस हिसाब से अभी भीड़ बढ़ रही है, इसकी 10 गुना भीड़ आपको उस वक्त दिखाई देगी, जैसे उत्तर प्रदेश में काफी देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिल रहा है जनसैलाब। और अभी आप हरियाणा में देखिएगा, हरियाणा में कितना जनसैलाब देखने को मिलेगा आपको। तो भी लंढोरा की बात कर लेते, आने वाली 8 जनवरी को लेकर क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या खास आपके सद्भावना सम्मेलन में मुद्दे रहेंगे जो यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस अपना एक पार्ट लेके चलते, यूथ कांग्रेस जिसको कहा जाता है क्योंकि भारत में यूथों की संख्या बहुत है, तो क्या कुछ हमें बिंदु बताइए। देखिए सद्भावना जो सम्मेलन किया जा रहा है वो पहला सम्मेलन है अपने हरिद्वार जिले के अंदर, उसमें जो हमारे श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी हैं वो रूबरू होंगे सारे प्रदेश सारे जिले के पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। आने वाले समय के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे लोगों की जन समस्याओं को उठाना है और कैसे उनका निस्तारण करना है। इसके अलावा जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनमें एक जोश बनने की कोशिश इस बात की भी की जाएगी कि 2024 की जो लोकसभा आ रही है, इसके अलावा 2023 में नगर निकाय के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा कैसे लेना और अपने लोगों का कैसे साथ देकर उन्हें आगे जिताकर लेके जाना है। मेन सबको समझाना यही रहेगा एकजुट होकर चलने के लिए। क्या कहेंगे आप भी, कहना चाहेंगे 8 जनवरी को जो सम्मेलन होने वाला है सभी को लेकर? धन्यवाद। जैसा मेरे से पूर्व मेरे माननीय अध्यक्ष जी राजीव चौधरी जी ने बताया और सचिन गुप्ता प्रदेश महामंत्री ने बताया, मैं उसी बात से अपनी बात को भी संबंध करते हुए ये जोड़ना चाहूँगा कि 8 तारीख में जो हमारा सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें युवाओं की ताकत और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसे बढ़ चढ़ कर सब रुड़की से भी हिस्सा लेंगे और ये हमारा आयोजन सफल आयोजन रहेगा। और ये आने वाले समय में जैसे हमारे अध्यक्ष लगाई जा रही है, विश्वास है कि आने वाली 8 जनवरी को सफल कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल निश्चित निश्चित, जब हमारा विश्वास और जोश है तो निश्चित सफल रहेगा। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस का ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है लंढोरा खानपुर विधानसभा के लंढोरा क्षेत्र में, देखना होगा कि उम्मीदें हैं या फिर विश्वास में पूरी बात करी जा रही है कि सद्भावना सम्मेलन एक सफल सम्मेलन होके रहेगा।